अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। अरे बच्चा जो बोल ले फेंक दीजिए, ये बहुत ही अच्छा स्मैश है यहां पे, लेकिन ब्लॉक कर लिया गया। लाल रंग से सवाल खेला, बॉल भी टूर्नामेंट 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रतनपुर बनाम सिमरिया के बीच में। 1-0 की सर्विस यहां पे मौका है, अभी तभी से साथ जाकर द्वारा इसमें आ सकता, और ये गेंद नहीं, गेंद बाहर चली जाएगी, कोर्ट से बाहर। प्रयास जरूर किया था दोनों भाइयों ने, जो हम और मुजम्मिल ने, लेकिन नाकामयाब रहे और राम तो में गेंद बाहर चली गई, जिसका परिणाम मिलता हुआ फायदा मिलता हुआ सिमरिया को। सिमरिया की ओर से सर्विस होगी, चेन सर्विस 0-1 की सर्विस होगी और जियाओ के हाथ में सर्विस की बॉल है। जियाओ तैयार है सर्विस को लेकर के, पिछले मैच के दोनों फाइनलिस्ट आज इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 में सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और ये काफी तगड़ा प्रयास, अच्छी फील्डिंग का प्रयास, लेकिन नाकामयाब रहे, तारिक सही तरह से गेंद को बना नहीं पाए और अंत में गेंद छिटक गई हाथों से, इसका फायदा मिलता हुआ 1-0 की सर्विस होगी रतनपुर की ओर से। संदेश करेंगे सर्विस, 1-0 की सर्विस संदेश के द्वारा यहाँ पे मौका है, इसमें सचिव के बस सबसे अच्छा स्मैच, यहाँ पे बहुत अच्छा फील्डिंग साहब के द्वारा, फिर से मौका है, सलीम सलीम ने गेंद को धकेल दिया है और फायदा मिलता हुआ सलीम और उनकी टीम रतनपुर को। इसी के साथ एक और मौका इजाफा होता हुआ, 2-0 की सर्विस, बल्कि हाथों से गेंद को दबाने का प्रयास, सफल भी रहे जी आउल और इसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला का पहला सेट है, 0-2 की सर्विस और यहाँ पे स्मैश रहा, स्मैश किया और गेंद छिटक के चली जाएगी साजा के हाथों से और इसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में रतनपुर को। रतनपुर की ओर से सर्विस होगी, 2-0 की सर्विस होगी रतनपुर की ओर से और एक बार फिर से मौका है यहाँ पे स्मैश के पास, स्मैश आएंगे, स्मैश करेंगे काफी तगड़ा इस बार महमूद आलम के द्वारा, वहां स्मैश बहुत ही उम्दा और कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ सालों से अपना लाइक हो गया था वो कहीं ना कहीं इस साल जो है लय में नजर आ रहे हैं। इस सीजन में महमूद काफी बेहतरीन कार्य किया है पिछले मैच में और इस मैच में भी शुरुआत में काफी दमखम दिखाया है और यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा क्या करेंगे। गेंद को पास किया जियाओ ने और यहाँ पे स्मैश संदेश के द्वारा काफी तगड़ा प्रहार और ये बॉल टच करते हुए गेंद चली जाएगी बाहर और इसका फायदा मिलता हुआ रतनपुर को, 2-0 की सर्विस होगी रतनपुर की ओर से। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज इस मुकाबले में सिमरे की ओर से जियाउल अपने टीम के साथ जुड़ चुके हैं, जियाउल महमूद इस्माइल आज नहीं खेल रहे हैं और शाहजहां खेल रहे हैं, शाहजहां कबीर तारिक और शकूर खेल रहे हैं और उनकी विपक्षी टीम की ओर से इंजमाम नजमुल मिराज नहीं है, सलीम मुजम्मिल संदेश और साहिब खेल रहे हैं आज उनकी विपक्षी टीम के रूप में रतनपुर की ओर से। 0-3 की सर्विस, काफी अच्छी सर्विस करी यहाँ पे जियाउल ने और स्मैशर के द्वारा, काफी अच्छा स्मैश मिला, सही तरह से नहीं फील कर पाएंगे, गेंद छिटक के चली जाएगी कोर्ट से बाहर, जिसका बेनिफिट मिलेगा फायदा मिलेगा। 3-0 की सर्विस होगी, चेंज है, 3-0 की सर्विस होगी संदेश, फिर से संदेश के द्वारा, ये काफी अच्छी सर्विस, गेंद छिटक के जा रही है, महमूद इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाएंगे, गेंद काफी बाहर जा रही थी और बाहर चली जाएगी और इसका फायदा मिलता हुआ कड़नियो, अरे एक अंक हो गए भाई, 4-0 लेगम पर साहब थोड़ा ध्यान दिख रहे हैं। मोहनपुर और शमशेदगंज एक दूसरे से लड़ेगी, दोनों टीमों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल तैयार रहे और शाहजहां के द्वारा इसमें ऐसे, लेकिन उससे लाजवाब ब्लॉक यहां पे ज्वाइंट ब्लॉक नजमुल और इंजाम के द्वारा, दोनों लगभग एक ही कद काठी के हैं, जिस तरह से मिराज और नजमुल रहते थे एक समय में और यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता हुआ और यहाँ पे मौका है इसमें से पास, अच्छा स्मैश यहाँ पे हुआ, वाह स्मैश और कुछ छीटा कसी होते हुए सिमरिया और रतनपुर के खिलाड़ियों के बीच में और इसके साथ ही चेन सर्विस 0-5 लेकिन 5 अंक से आगे है, अच्छा स्मैश यहाँ पे, क्या कह रहे हैं इस खिलाड़ी के साथ जाके द्वारा, काफी सुंदर ब्लॉक जिसका फायदा मिलता हुआ 1-5। इसी के साथ खाता खुलता हुआ सिमरिया का, लेकिन अभी भी 4 रन का फासला दोनों टीमों के बीच में, आज ये 14 का खेल है और ये फिर से गलती कर बैठे यहाँ पे संदेश और इसका फायदा
उनको में उनकी विपक्षी टीम को मिलता हुआ एक अंक का इजाफा 2-5 की सर्विस होगी, 2-5 की सर्विस। बॉल को अंदर फेंक दें और आप सभी को फिर से बता दूं कि यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट के मैचेस आप शरीफ नवाज ऑफिशियल वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब में शरीफ नवाज ऑफिशियल और दूसरा एक और चैनल है शरीफ नवाज वॉलीबॉल ब्लॉग्स, दोनों चैनल के जरिए से इस मैच का मजा ले सकते हैं और कुछ जो पिछले कुछ महीनों में मैचेस हुए उसका मैच भी मजा ले सकते हैं पिछले 2 साल से। और ये काफी अच्छा इस मैच, यहाँ पे गेंद टच आउट करती हुई गेंद बाहर जाएगी और इसका फायदा मिलेगा राधनपुर को चेंज के रूप में। बॉल को अंदर फेंक रहे शायद थोड़ा सा होल्ड पे ध्यान रखना, ठीक है गेंद बार बार बाहर जा रहा है, प्लास्टिक वाला नहीं है लोहा का। 5-2 की सर्विस, राहुल के पास बिल्कुल मौका था लेकिन लाजवाब ब्लॉक यहाँ पे नजबुल के द्वारा और इसका फायदा मिलता हुआ नजबुल और उनकी टीम रतनपुर को और इसके साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 6-2। 6-2 की ये सर्विस और यहाँ पे खबरें गेंद बनाया यहाँ पे माउथ के लिए माउथ करता है दोस्त और गेंद छिड़के चली जाएगी नजबुल इन माउथ के हाथ। और जिस तरह से पहला मैच में एक सीनियर प्लेयर के तौर पे काफी बेहतर खेल दिखाया, अनुभव का सटीक प्रयोग किया और कहीं ना कहीं इस मैच में जरूर एडवांटेज है कि उनके साथ जियाउल जुड़ चुके हैं लेकिन जिस मैच में जियाउल नहीं थे उस मैच में उसका खेल काफी बेहतरीन था और उनकी कॉन्फिडेंस की बदौलत उनकी टीम ने एक सेट पहला सेट हारने के बाद भी दूसरे और तीसरे सेट में काफी बेहतर खेल दिखाया और यहाँ पे फिर से चुप गए यहाँ पे जियाउल के सिमरिया और इसका फायदा मिलता है उनकी विपक्षी टीम को और इसी के साथ ही एक और रन का इजाफा 7-2। 7-2 की ये सर्विस और खबीर मुल्ला ने किसी तरह से गेंद को फील करने का प्रयास किया और सफल भी रहे और नजमुल नजमुल से यहाँ पे सलीम आया स्मैश किया और ये अंपायर के द्वारा जियाउल हक जो है वो उनके द्वारा आउट करा दिया गया है, इसका फायदा मिलता हुआ 2-7। 2-7 की ये सर्विस, संदेश फिर से आएंगे स्मैश करेंगे अच्छा स्मैश संदेश के द्वारा कबीर ने गेंद बनाया यहाँ पे साझा की साझा का स्मैश काफी अच्छा खुला किए इंजुआ का और फिर से फायदा में रहेगी इंजुआ उनकी टीम रतनपुर और आप सभी फिर से आप सभी को बता दो कि रतनपुर के जो है ब्लॉक करने के लिए काफी फेमस है ये लेकिन यहाँ पे गेंद कुछ देर ऐसा लगा कि हाथ में रह गया था नेट टच करार दिया गया और इसका फायदा मिलता हुआ 2-7। 2-7 की सर्विस होगी सिमरिया बनाम रतनपुर की इस मैच में, ये पहला सेट चलता हुआ सेमीफाइनल का बहुत ही उम्दा प्रहार बहुत ही उम्दा प्रहार था महबूब के द्वारा, एक बार फिर से मौका मिला यहाँ पे अच्छी सर्विस यहाँ पे क्या संदेश आएंगे इस मैच से गेंद को धकेल दिया है अच्छा फील्ड करने का प्रयास फील्ड कर लिया है महबूब ने और क्या पास करेंगे पास कर दिया सकुर ने लेकिन गेंद बाहर चली जाएगी आउट। और इसके साथ ही रतनपुर अपने खाते में एक और रन अर्जित करते हुए 8-3 की सर्विस है और अंपायर ने बॉडी टच का अपील को स्वीकारा और सर्विस चेंज होता हुआ 3-8। अच्छी सर्विस अच्छा डिफेंड इस मैसर के द्वारा अच्छा प्रहार ब्लॉक करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बाहर चली गई थी इस वजह से फायदा मिल जाएगा रतनपुर को चेंज के रूप में 8-3। नेट है शांति 3-8। चालाकी करने का प्रयास कबीर के पास मौका बड़ा शॉट माउंट के द्वारा काफी खूबसूरत शॉट और जियाउल आएंगे जियाउल इस बार नहीं छुटेंगे जियाउल के द्वारा थोड़ा प्रहार उसका फायदा मिलता हुआ जियाउल उनकी टीम को एक बार होगा इजाफा 4-4 4-8 की सर्विस 4-8 की ये सर्विस बहुत तगड़ा प्रहार गेंद छटक के चली जाएगी और फायदा मिल जाएगा रतनपुर को चीन के रूप में
रीच करने में कामयाब। 8-4 की सर्विस होगी, 8-4 की सर्विस रतन को की ओर से सिमर एक के लिए। और यहां पे एक बार फिर से काफी देर इंद्र यहां से अगले का जाए स्मैश किया सदस्य ने, काफी अच्छा फील्ड किया नजमू ने गेंद बनाया और स्मैश किया यहां पे काफी तगड़ा स्मैश और गेंद खाली होता है और सफाया मिलता हुआ 9-4। और अगर आप सही भूल गए तो एक बार फिर से बता दूं यह गेंद जो है 14 अंकों का है। नजमू ने गेंद बनाया सदस्य के लिए, सदस्य का स्मैश और यहाँ पर फायदा मिलता हुआ कटिंग के रूप में 10-4। अच्छी सर्विस और अच्छा सप्लाई का प्रयास, बेहतर सप्लाई और बहुत ही उम्दा प्रहार जियाउल के द्वारा और इसका फायदा मिलता हुआ जियाउल की टीम को 4-10। महबूब एक बार फिर से सर्विस को लेकर के तैयार है, काफी गेंद ऊंची ऊंची उठी और यहाँ पे मौका है सलीम के पास, लेकिन ब्लॉक कर लिया गया यहाँ पर जियाउल के द्वारा। वाओ, एक बार जोरदार ताली बजाएं जियाउल के लिए, काफी बेहतरीन प्रहार किया था और अब देखना पड़ेगा क्या करेंगे यहाँ पे स्मैशर संदेशा, स्मैश किया और काफी अच्छा प्रयास था यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ब्लॉक की कमी नजर आई इस मैच में और इसका फायदा मिल जाएगा चेंज के रूप में 10-5। चेंज सर्विस वंस अगेन बहुत ही उमदा प्रहार यहाँ पे जियाउल के द्वारा, तगड़ा प्रहार चली जाएगी बाहर। यहाँ पे अपील लेकिन लगा हमारा पैर में अब फायदा हो गया 6-10। धीरे धीरे पीछा करती हुई यहाँ पे सिमरिया 7-10 की सर्विस होगी सिमरिया की ओर से और ये अंत समय गेंद को पास करना पड़ेगा। जी हाँ, पास कर दिया नजमुल ने, नजमुल और यहाँ पे गेंद बनाई है यहाँ पे खबर और बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर जियाउल और महबूब साजा तीनों फॉर्म में आ जाएंगे इस साथ तो काफी मुश्किल भरा माहौल हो जाएगा, कपिल कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा रतनपुर जो की विपक्षी टीम है। सलीम इस बार अच्छा फील्ड किया यहाँ पे, सलीम आई स्मैश किया और इधर फील्ड को नहीं कर पाएंगे, काफी बेहतरीन जवाब ये हमला काफी अच्छा रहा सलीम की ओर से। अब सर्विस हो गई थी सर्विस 10-8। दस आठ की सर्विस और एक बार फिर उठा दिया है और फायदा मिल जाएगा सिमरिया को, सिमरिया की ओर से सर्विस होगी 8-10 की सर्विस होगी सिमरिया की ओर से और अच्छी सर्विस संदेश नहीं अच्छा सप्लाई दिया है इस मैच से, स्मैश किया काफी अच्छा इस मैच का आपके लिए और फायदा मिल जाएगा चेंज के रूप में 10-8। बॉल को अंदर फेंक के ज्यादा टाइम ना ले, और ये उमदा प्रहार उमदा शॉट अच्छा फील्डिंग सदर के द्वारा, यहाँ पे फिर से मौका है और क्या करेंगे यहाँ पे मौसम भी लेकिन बनाएंगे स्मैश करेंगे अच्छा शॉट यहाँ पे और एक बार फिर से गेंद हवा में क्या करेंगे इसमें से देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, गेंद चिपक के चली जाएगी कुछ से बाहर और एक बार फायदा मिलता हुआ फिर से एक अंक का इजाफा रतनपुर के खाते में 11-8। 3 अंकों के पास लात दोनों टीमों के बीच में काफी अच्छा कार्य किया है अभी तक कसिमरिया ने और काफी अच्छा इसमें ऐसे यहाँ पे अच्छा फील्ड किया और क्या चालाकी करी यहाँ पे शाहजहां ने, ऐसे ही मौका मिला गेंद को दबा दिया है उसका फायदा मिल जाएगा चेंज 8-11। तीन अंगों का फासला है और बहुत जल्द इसको चुप करने के लिए प्रयास करेंगे, सको का सप्लाई गलती कर गए यहाँ पे जी आओ फायदा मिलेगा चेंज के रूप में 11-8 की सर्विस
संदेश तैयार 11-8 सप्लाई बढ़िया इसमें से रहा इसमें नहीं किया हल्के हंस केवल किंतु धकेला और मैं तगड़ा प्रहार ठीक चलिए 12-8 की सर्विस और धीरे धीरे जितकी ओर अग्रसर है रतनपुर अच्छा स्मैश अच्छा फील्डिंग साहब के द्वारा इसमें से स्मैश क्या गेंद है और काफी अच्छी फील्डिंग गेंद और पिच हवा में है और ये काफी अच्छा शॉट फिर से फील्ड कर लिया फिर से शॉट और फिर से अच्छी फील्डिंग और संदेश शायद और ये शायद सलीम ने गेंद को धकेल दिया और ये राइट का इशारा है तो कंटिन्यू होता है वो इसी के साथ सेकेंड लास्ट बॉल फॉर फर्स्ट सेमीफाइनल फर्स्ट सेट और ये बार फिर से क्या अंक अर्जित करेंगे क्या चेंज होगा चेंज सिमरिया की ओर से सिमरिया की ओर से चेंज सर्विस 8-13 पांच अंकों का फासला काफी बड़ा है क्योंकि एक तरफ से सिमरिया को दो एक और अंक चाहिए और लेकिन राय का इशारा है लाइसमैन कर रहा है आउट दिया है पहले राइट दिया था क्या अरे कैमरा के सामने बैठे खड़े हैं आप वो लाइव में चलिए चेंज सर्विस 13-9 संदेश के हाथ में सर्विस की बॉल अच्छी सर्विस संदेश के द्वारा और यहाँ पे कभी नहीं गेंद बना यहाँ पे और ये काफी तगड़ा स्मैश बहुत ही उम्दा ये तो इस मैच से भी आगे निकल गया भाई कमाल का शॉट मुझे निकल गया 14 लास्ट चलिए अब गेंद बॉल पे है रतनपुर देखना पड़ेगा क्या सिमरिया कम बैक करती है अब मौका है अभी सिमरिया के पास चेंज करने का क्या चेंज करा लेंगे देखना पड़ेगा किस तरह का इसमें से हल्का से स्मैश किया फिर से मौका है संदेश आई स्मैश किया अच्छा ब्लॉक कर लिया गया है और नो इसी के साथ ही ये मैच सेमीफाइनल का पहला सेट रतनपुर ने जीत लिया है।